हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे साधारण व्यास से संबंधित प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन में कहता है 500 रुपये का धन राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है हमें, साधारण ब्याज ज्ञात करना है और 4 ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, कितना बटा 100। देखिए दोस्तों, यही साधारण ब्याज का सूत्र होता है और ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत ही बार पूछे जाते हैं इस सूत्र पर। तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मूलधन कितना है, मूलधन यानी कि धन राशि कितना है 500, देखिए 500 हो गया, ठीक है। और गुणे दर, दर कितना है परसेंट, 10%, ठीक है। और समय कितना है 3 वर्ष, 3 हो गया। और बट्टे 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब इसे देखिए 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 1 0 से 1 0 काट लें, देखिए कितना बचा 50 1 3, 50 से करना 50 50 3 या 150, कितना आ जाएगा 150, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सूत्र से 3 और सूत्र बनते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करने गए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हमें ज्ञात करना है, दर, ठीक है, वार्षिक दर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हम पहले सूत्र बता देते हैं। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र हमने क्या बताया आपको, मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, उसके बाद बट्टा 100, ठीक है। अब इससे कितने सूत्र बनते हैं, देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, देखिए अब इसे तिर्यक गुणा कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम सूत्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर ब्याज ब्याज गुणे 100, यानी कि साधारण ब्याज बढ़े सॉरी साधारण ब्याज गुणे 100 अपान दर गुणे समय, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक सूत्र ये हो गया, क्या हमें मूलधन ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें दर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, दर बराबर ब्याज ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, ठीक है, मूलधन गुणे समय। देखिए दोस्तों, ब्याज गुणे सब हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, सब में हमेशा ऊपर रहेगा। देखिए दो कंसेप्ट हो गया, मूलधन और दर, अब क्या बचा समय, ठीक है, क्या बचा समय, तो इसे भी चलिए सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या कर लेंगे, ब्याज, समय बराबर ब्याज गुणे सब ब्याज गुणे सब कर लेंगे, ठीक है, और बटा कितना कर लेंगे, मूलधन गुणे दर, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तीनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसे तीनों सूत्र पर ये सभी सवाल लग जाएंगे, ऐसे कितने भी टाइप के प्रश्न होंगे ये सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है, इसमें क्या करना हमें, दर ज्ञात करना है, तो दर का सूत्र क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणे सौ, ठीक है, बटे मूलधन गुणे समय, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ब्याज कितना दिया हुआ है हमारा 120, ब्याज हमारा 120 हो गया, ठीक है, और गुणे 100 हो जाएगा, बटे मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है 600, मूलधन हमारा 600 दिया है, ठीक है, और वर्ष कितना है 10। अब चलिए इसे दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर लेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1, और 6 से 6 2 12, यानी कितना आ गया 2%, कितना आ गया 2%, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे बहुत ही आसान से सॉल्व कर लिया, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, वह धन राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है हमें, धन राशि ज्ञात करना है, धन राशि यानी कि मूलधन, ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है, और देखिए परसेंट दिया हुआ है, आर बराबर हमारा कितना होता है 7% हो जाएगा, ठीक है, और साधारण ब्याज यानी कि एस आई बराबर 280 दिया है, ठीक है, और टी बराबर 4 वर्ष दिया है, ठीक है। अब इसमें कौन सा सूत्र रखेंगे, मूलधन वाला। देखिए दोस्तों, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर
ब्याज गुड़े सौ, ब्याज गुड़े सौ बटा दर गुड़े समय, यही हमें सॉल्व करना है। तो इसे चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए ब्याज, ब्याज हमारा कितना है दोस्तों, 280 है ठीक है, और गुणे सौ कर लेंगे ठीक है। उसके बाद बटे दर कितना हमारा 7% और गुणे समय कितना हमारा 4 वर्ष। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। देखिए 4 से अगर हम 100 काटेंगे कितना 25 चौको 100 हो जाएगा ठीक है। और देखिए 7 से हम 28 काटेंगे तो 7 चौको 28 कितना बचा 40 गुणे 25, 40 गुणे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000। देखिए दोस्तों 1000 हमारा आ जाएगा मूलधन। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने जो सूत्र बताया था उस पर सभी प्रश्न सॉल्व हो गए ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों आज आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।